ओके फ्रेंड्स, अब हिंदुइज्म का ही थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली बार मैंने वेदास तक आपको पढ़ाई दिया था, अब हम थोड़ा आगे चल के उपवेदास का कर लेते हैं। तो उपवेदास में देर आर फोर उपवेदास, चार तरह के उपवेदा होते हैं, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा, शिल्पवेदा, आयुर्वेदा, ठीक है। धनुर्वेदा जो डील करती है वो करती है आर्ट ऑफ वारफेयर के साथ, और ये उपवेदा है यजुर्वेदा का, ठीक है। फिर आपके गंधर्व वेद आगे, गंधर्व वेद जो है डील करती है आर्ट एंड म्यूजिक के साथ, जो है आपके साम वेदों के साथ, ठीक है। फिर आगे आपका शिल्प वेदा, शिल्प वेदा आपका डील करती है आर्किटेक्चर के साथ, जो है आपका अथर्व वेदा का उपवेदा, ठीक है। फिर आगे आपका आयुर्वेद, आयुर्वेद डील करती है मेडिसिन के साथ, जो है आपका उपवेदा ऋग्वेदा का, ठीक है। अब इसके बाद हम एपिक की बात करते हैं। दो तरह के हमारे एपिक होते हैं, एक हो गया आपका महाभारत, एक हो गया रामायण, और दोनों ही संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। और महाभारत जो है वो व्यास के द्वारा रचित है, ऑल्सो कॉल्ड जया संहिता एंड सत्सहरी संहिता, इसको जया संहिता भी कहा जाता है और सत्सहरी संहिता भी कहा जाता है, जो कि जिसके अंदर की 100,000 से ज़्यादा श्लोक है और 200,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल वर्स लाइन्स है, ठीक है। और एक एक श्लोक जो है इसका वो कपलेट है। इट इज़ ओल्डर देन वाल्मीकि रामायण विच हैज़ 24,000 श्लोक। ये वाल्मीकि रामायण से भी ज़्यादा पुरानी है और इसके अंदर 24,000 वाल्मीकि रामायण के अंदर 24,000 श्लोक है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके प्री मौर्यन एज की। प्री मौर्यन एज में द महाजनपद, ठीक है, आए थे द महाजनपद। इन 6th century BC कल्टीवेशन बिकेम मोर इजी ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन एंड ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। 6th century में कल्टीवेशन यानी कि जो आपका खेती बाड़ी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। और इसके लिए फिर आपको जो है लोहे का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था, और लोहे का जो बिजनेस है वो यूपी या फिर वेस्टर्न बिहार से होता था, ओके। एज अ रिजल्ट लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स केम अप नोन एज जनपद, ठीक है, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक एक स्टेट से बहुत लार्ज मात्रा में टेरिटोरियल होने लगे, ठीक है। देयर वर 16 मेजर जनपद कॉल्ड एज महाजनपद, 16 तरह के मेजर जनपद है जिनको हम महाजनपद कहते हैं। दीज महाजनपद आर अंग, मगध, वजी, काशी, कौशल, मलाहा, वत्स, सेदी, सुरसेना, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, कंभोज, गांधर और अशेक। मतलब कहने की बात यह है कि ये सारे के सारे जो हैं आपके उस टाइम के, जब ये महाभारत का टाइम चल रहा था उस टाइम के ये शहर थे इंडिया देश के। शहर क्या मतलब स्टेट, राज्य। 16 तरह के राज्य होते थे जिनको महाजनपद, 16 तरह के राज्य होते जिनको महाजनपद भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे आपको एक एक जनपद का, महाजनपद का नाम और उसका जो कैपिटल होती है यानी उसकी जो राजधानी होती है वो आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गई आपकी अवंती, अवंती की राजधानी होती है उज्जैन। कंबोज, कंबोज की राजधानी है जाजपुर, ठीक है। काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी। अंग, अंग की राजधानी है चंपानगरी, ठीक है। ब्रिजी, ब्रिजी की राजधानी है वैशाली। फिर हो गया चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, ठीक है। कुरु की राजधानी है हस्तिनापुर। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। असका की राजधानी है बुडनिया। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कौशल की राजधानी है स्रवस्टी। मगध की राजधानी है राजगृह। मल्ला की राजधानी है कुशीनगर। वत्स्य की राजधानी है कौसम्बी। पांचाल की राजधानी है अहिछत्र। और सुरसेना की राजधानी है मथुरा, ओके। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। अगला फिर मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा।